हेलो फ्रेंड्स, धूम फिल्म की कई सारे पार्ट बन चुके हैं जिनको दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है। जहां फिल्म के पहले पार्ट में जोहान इब्राहिम अभिषेक बच्चन को एक्शन करते हुए देखा गया था, तो वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट में ऋतिक रोशन व अभिषेक बच्चन नजर आए थे, जबकि धूम 3 में आमिर खान ने डबल रोल किया था। फिल्म का तीनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुबर हिट रहे थे, जिनके बाद अब दर्शकों को इसके सीक्वल यानी धूम 4 का बेसब्री से इंतज़ार है। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म के विलेन को मुख्य किरदार में दिखाया जाता है। फिल्म को के हर पार्ट में बॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपर हिट स्टार को कास्ट किया जाता है। आमिर खान, जोहान इब्राहिम, ऋतिक रोशन को कास्ट किया जा चुका है। अब फिल्म के चौथे पार्ट में किस एक्टर को विलन के किरदार में दिखाया जाएगा, इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल है। तो आइए जानते हैं धूम 4 में कौन सा हीरो होने वाला है। धूम फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में कौन सा बॉलीवुड अभिनेता नजर आएगा, इसको लेकर सभी के मन में सवाल है, जिसको लेकर हर दिन किसी न किसी एक्टर का नाम सामने आता है। कभी कहा जाता है कि फिल्म में शाहरुख खान नजर आएंगे, तो वहीं कभी कहा जाता है फिल्म के मुख्य किरदार में के रूप में सलमान खान नजर आएंगे। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ यह खबर वायरल हो रही थी कि धूम 4 में साउथ के सुपरस्टार रामचरण मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन अब इन सब खबरों के बीच एक और एक्टर का नाम सामने आया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि फिल्म में अब विलन के किरदार में खतरों के खिलाड़ी को यानी अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। इन सब खबरों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब तो मेकर्स ही दे सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं धूम 4 कब आ रही है। धूम एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है। इस फिल्म का पहला पार्ट 2004 में रिलीज़ किया गया, तो वहीं रिलीज़ का दूसरा पार्ट यानी धूम 2 नवंबर 2006 में रिलीज़ हुआ था और तीसरा पार्ट यानी धूम 3 दिसंबर 2013 में रिलीज़ किया गया था। अब दर्शकों को धूम 4 का इंतज़ार है। बता दें कि धूम 4 को लेकर काम तो चल रहा है, लेकिन धूम 4 कब रिलीज़ होगी इसको लेकर फिल्म के मेकर्स द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।